जी फोटो चिपका दो ब्लॉग में, पता नहीं चलेगा। हेलो हेलो दीदी। हाय, ये मेरी फ्रेंड्स है कॉलेज के। हेलो हेलो हेलो। ये मेरा भाई है। गोल्डन चांस मिला है बेसिकली मुझे किसी भी अपनी बहन से, क्योंकि देखो ऐसा है कि अभी तक जो भी अपनी कजिन्स की शादी हुई है ना बहनों की, वो अपनी एज से बहुत ऊपर है। मतलब ज्यादा ही ऊपर। आप एक मिली हो जो अपने बैच की है, ठीक है? तो आपको पकड़ा जा सकता है। हाँ, तो अब सवाल ये है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? I can't explain. From video बहुत अच्छी बन गई थी। हाँ, तो बेसिकली हाँ मैं यही पूछ रहा हूँ कि कैसा लगता है। क्योंकि मेरे को जितना पता है बहुत पैसा लगता है। तो पापा ने दिया, नहीं पता कितना। अच्छा, तो जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, बिकॉज सभी को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, ये रश्मि दीदी है, ठीक है, और ये मेरी मोनी दीदी है, ये लवली दीदी है, और ये दो दीदी हैं जो रश्मि दीदी की दीदी है, मतलब दोस्त है। तो बेसिकली दीदी की शादी है, तो पहली बार मुझे मौका मिला है कि मैं अपनी दीदी से पूछ सकूं कि शादी के पहले क्या थॉट्स रहते हैं, क्या जिटर्स रहते हैं। तू क्वेश्चन नहीं कर रही हो, दिमाग में क्या चल रहा तेरे? फिलहाल मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सारे फ्रेंड्स और कजन्स वगैरह सब मेरे पास हैं, भाई बहन है, पता नहीं ये पल नेक्स्ट टाइम कब मिलेगा। इनकी बात कर, आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, 6 महीने तो खुशी खुशी हुई थे, सब प्यार करते, सास भी करती, ससुर भी करते, हस्बैंड भी करता, 6 महीने बाद पता चलता है वो सब बकवास। एक मिनट, अपने बहन को रियल लाइफ एक्सपीरियंस यार, एक फोटो क्लिक कर दो मेहंदी की। हाँ, जीजा जी को देनी होगी इनको, इसीलिए बोल रहे हो तब से लवली बड़ी होगी। अगर अगर ससुराल में हस्बैंड अच्छा है तो सब अच्छे है, पैरों के लिए पर मेरे वाला तो बहुत अच्छा है। जो इसके इन लॉज होंगे वो इनकी रेस्पेक्ट करें, और फर्स्टली अपने हस्बैंड और गाइस के लिए कि उनके लिए नहीं नहीं उसके लिए है। अच्छा। ये मतलब जो इसके सास, हाँ तू उनकी रेस्पेक्ट करे, हस्बैंड की दादी अम्मा कुछ और बोले, अगर वो उनकी रेस्पेक्ट करती है तो वो उनके लिए अच्छी, दैट वो इनके लिए अच्छी है, तो दोनों का हमेशा हमेशा के लिए लाइफ में रिश्ता बना रहता है और प्यार बना रहता है। गलत बोल दिया, मेहंदी के हाथ लगे सबके। ओ, हमारे बीच एक एक ताली है, एक ताली। मैं दीदी को एडवाइस कर सकती हूँ, अगर कभी गुस्सा आए आपको तो शांत रहने का और पेशेंट रहने का, क्योंकि आप उनको नहीं जानते अभी स्टार्टिंग में, उनको थोड़ा टाइम दीजिए, फिर आप थोड़ा टाइम लो एडजस्ट होने में, और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू लाइफ। थैंक यू सो मच। ये अच्छा है। हाँ। हम लोग बहुत कम मिल पाते हैं अभी, तो मैं लग रहा हूँ कि हम लोग पर्सनली बहुत कम मिल पाते हैं शादी वादी में, 4 साल बाद या कुछ ऐसे इतने टाइम बाद हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। दीदी बताओ, आपको अगर एडवाइस देनी हो, क्योंकि मुझे पता है आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आपकी 2 साल की कहानी है, अगर आप उसको 2 मिनट में बता सको कि क्या क्या स्टार्ट होने से करना चाहिए था। नहीं नहीं, तो वो ये तो गोल्डन कंटेंट है ना, तो साइड में बात। हाँ, तो क्या आप ऐसी, आप इनको एडवाइस देंगी जो इनकी भी लाइफ एकदम आपकी तरह ओह ऑसम रहे? कोई भी कुछ भी बोले बोलने का नहीं, मतलब बोलो ही नहीं, शांति सुनते ही रहो, कोई ज्यादा बोले तो लीड लगा लो, गाना सुनो। बेस्ट एडवाइस एवर। अगर ससुराल में अपनी कमजोरी कभी नहीं बतानी चाहिए कि ये चीज हमें आती ही नहीं, हमें सब कुछ आता है, भले ही कुछ ना आता हो। एक एक मिनट, आप बच्ची हो दीदी? क्योंकि देखो यार, मैं उसे पर्सनली बताऊंगी, डायरेक्टरी में नहीं बता। सॉरी सॉरी गाइस, हां ये पब्लिक कंटेंट नहीं है, तो हम इसको स्किप करेंगे फिलहाल के लिए। गलती नहीं होती है, अपनी साइड से कोशिश करना कि तेरी साइड से कभी भी साइड से कभी कोई गलती नहीं होती है। सुन, हो जाती है, हो जाती है कभी-कभी, आप अपना ख्याल रख लेना पहले। हाय, मेरे पास है ये तो एकदम, मतलब जैसे वो ट्रेन में जाते हैं ना, सब सफर कर रहे हैं। तो दीदी, अब ऐसी क्या बात है जो आप मिस करोगी? देखते हैं आपकी कितनी डिप्लोमेसी काम करती है। जैसे हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, हम लोग जैसे बचपन में आपको एकदम परेशान करते थे, मेरे को अभी भी याद है, अब मुझे आपको पता नहीं कि हमने लूडो के लिए चुपके चुपके लूडो वो खरीदते थे कि हाँ ले आओ ले आओ ले आओ, 10-10 रुपए के अपने इधर मिलते थे पास की दुकान में, तब खेला है। तो वो सब क्या क्या यादें हैं जो जो कभी भी तुझे ऐसा लगे फ्रीडम अंदर भर गया, मैं वो निकालना हूँ, फोन कर लिया हमने, हम हमेशा फ्री रहेंगे। एक मिनट, फिर से बोलो ये बात क्या? ग्रुप
मैं जब भी कुछ बोलती हूँ कोई बोल नहीं देता था। बहुत सारी चीज हम लोग इतनी मस्ती करते थे, जब आप लोग आते थे मतलब जब ब्रदर एंड सिस्टर जहाँ सब सारे कजन्स मिलते थे ना, सबसे ज्यादा मैं ये मोमेंट्स मिस करूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम कब ये मोमेंट्स आएंगे। हम लोग सब मतलब सब लेडीज लोग ये सब ये बता रहे थे कि सिस्टर्स सॉरी सो सॉरी। तो आप अपनी तरफ से कुछ सजेशंस दीजिए दीदी को। कुछ भी थोड़ा बहुत, खाने में नमक कम डालना अपनी सैलरी जिया जी के साथ शेयर करना या फिर बोल दो मत करना सारा खुद ही पिज्जा खा जाना बोले कि आप शादी के बाद भूल मत जाना। बोलो किसको मत भूल जाना, जिया जी को? हम सब जीजा जी को तो भूल के भी नहीं भूल सकते अरे बोल उसको बोल देना। अपने कजिन्स को मत भूलना और अपने जो मतलब स्वीट मेमोरीज जो बताई है ना वो मत भूलना और अच्छे से रहना। ये तालियां, वो गलत रूम में फिर से तालियां। ओह तालियां बज रही है मेहंदी के बीच में। मेरे पापा थोड़े से शांत नेचर के हैं कुछ बोलना चाहोगी? जी न्यूज़ से लाइव हम पूछना चाहते हैं आपसे क्या कहना चाहेंगे। ये बंदी पॉलिटिशियन अच्छा बन सकती है, वोट लेना आता है इसको। जब आपका शादी तय हो गया था तब आपको क्या फील हो रहा था कि तो मतलब क्योंकि हम लोग अभी जैसे सिंगल लाइफ जीते फिर सडनली हो जाता है कि चलो ठीक है मम्मी पापा तुम्हारा रिश्ता तय कर रहे हैं अब तो मैं इस लड़के से मतलब जो भी जैसे अरेंज होता है तो इस लड़के के साथ लाइफ स्पेंड करनी है और अगर लव है तो अलग ही बात है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्योंकि बहुत सडन ये सारा कुछ हुआ था। पापा मेरे रेडी थे तो मैं ऐसा कुछ नहीं इसमें मेरी फर्स्ट डोंट लव प्लीज पापा मेरे सॉरी समथिंग हां प्लीज फिर क्या। पर बाकी मैंने अभी तक जितना जाना है वो बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है मैं अपनी लाइफ अच्छी स्पेंड करूंगी उनके साथ। दीदी आई नो आपका एक्सपीरियंस है, हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। तो ब्रजेश ने तो वो तुम्हारी कितनी बात मान सकते हैं? ओह मतलब कि जिया जी कितनी बात मानते हैं या मानेंगे? एग्जैक्टली, वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली देखो मैं जितना उनको जानती हूँ वो सही बात के साथ होते जो उनको सही लगता है, बाकी अगर मेरी बात सही होगी तो वो मेरी बात मानते हैं, बाकी जो सही उनको लगता है वो वही करते हैं। आपका क्वेश्चन आंसर हो गया या कुछ और? थोड़ा कम सेटिस्फाइड हो इतनी बात मानेंगे और दीदी बात सुन के कैसा लगा कि आपका वाला ज्यादा बेटर है उनका वाला ज्यादा बेटर है? ओहो ओहो तो कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ मेरा वाला बेटर है। मेरा वाला इसलिए बेटर है मैं 2 साल रह चुकी वो अभी रही नहीं उसके साथ। फोन से बात करना और साथ में रहना दोनों बातें अलग अलग है। रिलेशनशिप अब अभी आप लोग रिसेंटली 2 मिनट पहले ये कह रहे थे कि हम एडवाइस नहीं दे सकते, अब मैं मौका दे रहा हूँ सवाल करने का कि कुछ सवाल पूछ ले बताए सच्ची बात कितनी बार डेट पे गए हो बोलो। दर्शकों हम यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट ब्रेक लेना चाहेंगे। पहले आंसर करने दो ना दीदी लाल हो गए टमाटर सरकाजम में भी बजा सकता है वो। अरे वो बेचारा बजा करो लव मैरिज ज्यादा अच्छी होती है अरेंज मैरिज ज्यादा अच्छी होती है? लव मैरिज मीनिंग भी नहीं पता होगा कोई उस बात टूट गए तुम्हारे यहां पे कोई लव मैरिज है नहीं हमारे फैमिली में तो नो वन कैन टेल एक्चुअली। अरेंज मैरिज से कुछ नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो
अगर कोई अरेंज मैरिज से खुश नहीं होगा तो उसके ऊपर पिक्चर आ जाएगी, डोंट वरी, आप थिएटर में जाके देख सकते उनके दोस्त भी होंगे जिन्होंने लव मैरिज किया हो, अरेंज मैरिज किया हो, फिर तो अब तक कंक्लूड कर लिया होगा आपने कि लव मैरिज होता तो ज्यादा बेटर होता। कोई फ्रेंड नहीं था जो अपनी बातें कुछ शेयर करे। क्या सैवेज मोड। हम लोग जब हम लोग दिल्ली गए थे तो दीदी के हॉस्टल में भी गए थे एंड देन हम लोग अक्षरधाम भी गए थे, उसकी एक मेमोरी भी है मेरे पास। ओह नाइस। मोनी दीदी तुम्हारे साथ कोई ऐसी मेमोरी? अगर अगर पापा आम भी लेके आए तो इसे छुपा के रखती थी फ्रिज में, फ्रीजर में। इसे अपना चाहिए था, इसे दो एस्ट्रम चाहिए था। कुछ भी बोले उस टाइम कैसा मूड है तो ये नहीं है कि उनको जवाब देना उस टाइम, नहीं चुपचाप रहो बिल्कुल, जब तुम्हारा मौका लगे तब बोलो। और दीदी वो यार वो रबड़ी वाला इंसिडेंट एक बार बता दे, वो प्लीज यार। कौन सा वाला? वो प्लीज प्लीज अभी बोल सुनो ना, प्लीज दीदी प्लीज। रबड़ी वाला एक बार ये छोटी थी ना तो मम्मी पापा सब लोग गए हुए थे कहीं शादी थी, तो हम और बॉबी और ये मोनी भी थी, तो हम लोगों ने कहा कि चलो रबड़ी बनाते हैं, तो हम लोगों ने बनाई इसको, ये सो गई थी, मोनी सो गई, ये बैठी रही, तो मैं बॉबिन का सो जा कि नहीं हम तो खा के ही सोएंगे, मतलब कि दीदी और भैया फोर्स कर रहे थे, छोटी थी तो इसको सो जाने दो, ये सो जाएगी तो सुबह मिल जाएगी, मतलब रबड़ी तो गर्म गर्म तो खाएंगे नहीं, लेकिन मेरे को ये क्यूरियोसिटी थी, मेरे को तो रबड़ी खा लेंगे क्या कुछ। तो भी एक एक कटोरी हो गई थी, चार कटोरी हुई तो इसको पहले दे दी, इसको गरम गरम दे दी, मैंने कहा लो खा लो, आगे कहा कि रश्मि और लोगे कि हाँ दे दो। बॉबी ने तो गुस्सा में बोला था कि अभी ये इसने खा ली है फिर भी ये, अभी ये नहीं कि ये सो जाए कुछ भी, अभी ये फिर ऐसे करके बैठी। तो फिर इसको बॉबी दे दी, इसने खा ली, बॉबी कहे आज ये भी दे दो। हम सुबह बनाएंगे लेकिन आज इसका पेट खराब करना। सुबह वो भी उठा, जूली सब ठीक ठाक, हमें यहाँ सब ठीक ठाक। हाँ आराम से, मुझे मीठा बहुत पसंद है। हाँ डाइजेशन बहुत अच्छा है इसका, सब कर लेती है जब। अरे हंसने वाला ज्यादा था। बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत थैंक यू सो मच, वेरी नाइस कार्ड, ये मेरे पास ना हमेशा अपने पास रखूंगी।